हिंदू शास्त्र में कई ऐसी विधि, कई ऐसी पूजा होती है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आज हम बात कर रहे हैं कछुए की। कछुए की बात करें तो यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, साथ ही विष्णु जी को भी प्रिय है। बहुत से लोग घर में कछुआ पालते हैं या धातु का बना हुआ कछुआ रखते हैं। किस दिशा में कछुआ रखना चाहिए ये उन लोगों को शायद ही पता रहता है। देवी और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए कछुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना गया है, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। कुछ लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से कछुए को अपने घर में रखते हैं। उज्जैन के पंडित से जानेंगे किस प्रकार का कछुआ कहाँ रखना चाहिए। शांताकारं भुजगशयिनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकप्रियं। जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कछुआ रखने से क्या फायदे होते हैं। कछुआ रखने से यदि आपके घर में यदि जीवित कछुआ है तो उसे घर में बेडरूम में रखा जाता है, अन्यथा परिवार के अलावा किसी को उसको दर्शन नहीं कराए जाते हैं। दीपावली के दिन उनकी विशेष प्रकार की पूजाएं की जाती है। सनातन धर्म में कछुए को लाभदायक बताया गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रतीक माने गए। कछुए को यदि स्फटिक के रूप में यदि आप रखना चाहते हैं तो आपके घर में दारिद्रता दुख दूर होगा, और कछुए को पूजन के स्थान पर रखकर कछुए का मुंह मेन गेट से अंदर की तरफ रखना चाहिए जिससे धन संपदा की वृद्धि होगी।